अगर परसेंटेज में मिली है तो भी, तो ग्रेड में ग्रेड, रोल नंबर फिल करना है, पासिंग ईयर फिल करना है, मैक्सिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेंड परसेंटेज फिल करनी है। फिर आपको आगे बताया हुआ कि आपने 12th कॉमर्स स्ट्रीम से की है, अगर की है तो यस, नहीं की तो नो करना है। फिर आप नेक्स्ट आपको बताया गया कि आपने 10th में उर्दू रखी थी, रखी तो ठीक है, नहीं तो नो करना है, अब येस और नो करना है। हैव यू स्टडी, अगर 12th में आपने बायोलॉजी और इन्वायरमेंट आपका सब्जेक्ट था तो आपको येस करना है, नहीं था तो नो करना है। फिर नेक्स्ट आपको बताया गया है कि आपने 12th में मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट रखा था, अगर रखा था तो येस, नहीं रखा था तो नो। फिर आगे बताया आपकी इनकम, अपने पापा या गार्डियन की इनकम कितनी है पर मंथ, वो बतानी है। अगर आप एम्प्लॉय डिटेल, अगर आपके घर में कोई एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय करना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल, भी कर सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। फिर अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसकी डिटेल बतानी है, अपने पापा का नाम, उनकी पोस्ट कौन सी है, वो फिल करनी है आपको। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, आर यू इंटरेस्टेड फॉर ए सेल्फ फाइनेंसिंग सीट, अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो नो करना है आपको, येस और नो में ऑप्शन देना है। और यहाँ पे बताया गया है अगर आपने येस किया है तो आपने आपको एडिशनल फ़ी चार्ज की जाएगी 730 रुपीज़। फिर आपको डिक्लेरेशन करना है, क्लिक करके आपको अपडेट क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको देखना है कि क्या आपकी डिटेल ठीक से, ठीक से तो ठीक है, नहीं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, 10th का सर्टिफिकेट जो कि आपको JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना है, 10th प्लस 2 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट जो आपको PDF की फॉर्म में सबमिट करना है, फिर ST सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सबमिट करना है और डिक्लेरेशन कर देना है टिक करके। अगर आपके कोई भी मिस्टेक है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लॉक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके आगे आपको क्या करना है वो हम बाद में बताएंगे अभी, क्योंकि हमारे पास इनके अभी तक सर्टिफिकेट नहीं है जो कि अपलोड नहीं हुए हैं, जैसे ही अपलोड कर देंगे हम आपको इसके आगे बताएंगे क्या करना है। उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही इस चैनल पर 500 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताएंगे, कैसे आपको नेक्स्ट फॉर्म फिल करना है, नेक्स्ट फॉर्म में आपको सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले।